अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज हमारे ट्रिप का डे 9th है एंड जैसे आप लोगों को पता है हम लोग रात को बाशु वैली आ गए थे। बस अब हम नाश्ता करने लगे हैं और इसके बाद हम खूबसूरत से व्यू के साथ अपनी चाय इंजॉय करेंगे और उसके बाद कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियोस, कुछ ड्रोन शॉट्स लेंगे, अपनी चीज़ें वाइंड अप करेंगे और हम वापसी के लिए निकलेंगे यहाँ से। रात काफ़ी ठंडी थी लेकिन दिन इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था। अभी काफ़ी गर्मी है और आप सिंपल टी शर्ट्स में गुजारा कर सकते हैं। इधर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से ड्रोन व्यू दिखाती हूँ। जो ऊपर दो गेस्ट हाउस हैं ये स्टेज के लिए अवेलेबल हैं। इतने ख़ास मुझे तो नहीं लगे, आप लोग जाके देख सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद आए, वरना टेंट पूरा ऑप्शन नहीं है इधर। एक ही जीप आप हायर करेंगे वो आपको ऊपर भी लेके जाएगी और वापस भी लेके आएगी अगले दिन। ये बातें आप उनसे डील पहले से कर लें क्योंकि थोड़ा सा ये लोग प्रॉब्लम करते हैं। आप पहले उनसे हर बात कर लें, रास्ते में किधर रुकना है और आपने ऊपर हमने कितने बजे वापस जाना है, थोड़ा सा ये लोग प्रॉब्लम करते हैं। जीप ड्राइवर ने रात को तकरीबन हमें 7 बजे ड्रॉप किया था एंड नाउ ही वॉन्टेड कि सुबह 7 बजे ये लोग चल पड़े, पर ऐसा नहीं है। हम लोग अपना टाइम हमने इंजॉय किया यहाँ और हम लोग 11 से 12 बजे यहाँ से निकले हैं। मैं भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ बाइक ना लेके जाएं। ये आप देख सकते हैं एक राइडर लाए हुए हैं यहाँ 150, और इनके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। इनका जो पिलियन है वो हमारी जीप में बैठा हुआ था और ये ऊपर से नीचे बाइक ले आया। अकेले बाइक लेके आना जाना इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, लेकिन जब साथ आपके एक और आपका पार्टनर होगा तो फिर थोड़ा सा मसला मसायल होते हैं, क्योंकि पूरे रास्ते में बहुत ज़्यादा पत्थर हैं और रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी है। मैं दोबारा से ये बात मेंशन करूँगी क्योंकि यहाँ हमारी थोड़ी सी ड्राइवर से बीमारी होगी थी
के या आप इनसे नीचे से ऊपर जाने से पहले पहले हर बात क्लियर करें। ये बहुत तंग करते हैं, ये गाड़ी रोकते नहीं है रास्ते में, थ्रू आउट द वे ये चाहते हैं बस आप ऊपर पहुँचाएँ, अगले दिन जल्दी से नीचे ले आएँ। शुक्र अल्लाह का हम खैरियत से नीचे पहुंच गए हैं और हमने सामान निकाला सारा जीप से, और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने बाइक्स को वॉश किया। डस्ट पड़ रही है, बारिश हो रही है, कीचड़, तो इनको अच्छे तरीके से वॉश किया, साफ़ किया और उसके बाद इन पे सामान बांधा और यहाँ से थोड़ी सी खुबानियाँ तोड़ी और उसके बाद फिर हम लोग अपना सफ़र अब कंटिन्यू कर रहे हैं। इनिशली तो हमारा ये प्लान था कि हम बाशु से निकलेंगे, वाया जगलोट हम जाएंगे चिलास, एक स्टे वहाँ करेंगे और 10th डे पे हम लोग वापस जाएंगे टूवर्ड्स इस्लामाबाद। लेकिन प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया, ये 2 दिन के बजाय 3 दिन में कन्वर्ट हो गया और हमें डिटोर करना पड़ा। हमारा प्लान काफ़ी लंबा हो गया था वापसी का, और 11वें दिन हमने वापसी की। पहले भी मेंशन किया था कि बाशु का मैंने अलग से एक व्लॉग बनाना था, लेकिन मसला यही हुआ कि हमारे 2-3 दिन में कन्वर्ट हो गए और मेरे भाई को जल्दी से ऑफिस पहुंचना था और उस वजह से हम लोग का हमने काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक कर दिया अपने ट्रिप को। हमने 3 दिन मतलब प्रॉपर हम लोगों ने सफ़र किया, जिसकी वजह से हमारे पावर बैंक्स डाउन, हमारे मोबाइल डाउन, और बीच में पूरा 1 दिन मैंने मिस किया कॉन्टेंट का। मैंने उसका फिर एक ही ये पार्ट बना दिया, बाशु टू इस्लामाबाद बना दिया, और ये 3 दिन का कॉन्टेंट है बेसिकली जो इन 8 to 9-10 minutes में है। ये एक अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन हो गई थी हमारे साथ वहाँ, बाकी वरना हमारा ट्रिप बहुत परफेक्ट रहा। पर खैर है, मसले मसाइल तो होते ही रहते हैं। स्कर्दू से S1 हाईवे जो हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं उसी को जगलोट स्कर्दू रोड भी कहा जाता है, गिलगित स्कर्दू रोड भी कहा जाता है। बेसिकली ये 167 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे है पाकिस्तान में, जो लिंक करती है गिलगित और स्कर्दू की डिफरेंट सिटीज़ को। इस रोड पे सफ़र बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, रोड बहुत अच्छी बनी हुई है। ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं लैंड स्लाइडिंग्स होती रहती हैं बारिश के मौसम में, लेकिन यहाँ के पहाड़ बहुत ख़तरनाक हैं, हेबतनाक पहाड़ हैं इधर के, और इधर जो रोड जिस पे आप ट्रैवल कर रहे होते हो उस पे पहाड़ बिल्कुल आपके सर पे हैं और इन पहाड़ों में से थोड़े थोड़े पत्थर गिरते ही रहते हैं। यहाँ से रोड की कंडीशन ख़राब होना शुरू हो गई और हमें डिटोर करना पड़ा। डे 10th की शाम से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अब हम लोग एक होटल में रुके हैं, यहाँ हमने अपने फ़ोन चार्ज किए हैं और हम लोगों ने यहाँ खाना खाया इतने हेक्टिक सफ़र के बाद, लाइक वी वर ऑल टैंड, और अब हम अपना सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग रुकेंगे चिलास में। चिलास में था लेकिन बीच में हम लोग रुके, एक दफ़ा हमने खाना शाना खाया, फ्रेश हो गए हैं, अब हम लोग अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे जहाँ तक हमसे जाया गया हम लोग वहाँ तक जाएंगे। ट्रिप पे आने से पहले हमारा यही कमिटमेंट थी कि हमने बापू सर से रात को नहीं गुजरना, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी इलाका है, लेकिन ऐसा है कि यहाँ कन्वॉय सिस्टम किया हुआ है, पुलिस और आर्मी ने मिल के कुछ गाड़ियाँ इकट्ठी होती हैं और उसके बाद पुलिस की सुपरविजन के अंडर वो गाड़ियाँ जो हैं वो अगली इनकी चेक पोस्ट तक जाती हैं। ये चिलास से लेकर बाबू सर टॉप तक 3 चेक पोस्ट हैं रस्ते में और इस पर बार बार आपको रोका जाता है। ये देखें पीछे से भी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं। आई नो ये एक अच्छा आइडिया नहीं था क्योंकि बाबू सर टॉप पे शदीद बारिश हो रही थी, लाइक चिलास से लेके बाबू सर तक हमने बारिश ही फेस किया और काफ़ी ज़्यादा ठंड भी थी। बाबू सर टॉप से हम बुढ़ा वही गए जो 40 to 45 minutes का रास्ता था, सेम होटल में स्टे किया जहाँ हमने वेरी फर्स्ट डे स्टे किया था। ये लास्ट डे हमारे ट्रिप का, डे 11, और यहाँ से अब हम डायरेक्टली इस्लामाबाद निकलेंगे।
करने के बाद ऑब्वियसली वी वर सैड, और जो लोग जा रहे थे नारान और बाबू सर की तरफ तो उनको देख देख के हम जेलस भी हो रहे थे। अगर मैं इस ट्रिप को समराइज करूँ तो मैं यही कहूँगी कि मेरा बहुत ही अच्छा ट्रिप था। लाइक लोकल अथॉरिटीज़, ऑफिशियल अथॉरिटीज़, अदर देन दैट लोकल लोग वहाँ के जो टूरिस्ट गए हुए थे इधर से, सब बहुत अच्छे थे, बहुत सुपर कोऑपरेटिव थे। लाइक जब किसी को बहुत लोगों को पता था कि हम लोग बाइक पे हैं तो हमारे साथ ओवरऑल फैमिलीज़ का बड़ा अच्छा बिहेवियर था। साथ में एक लड़की थी जिस वजह से हर फैमिली बहुत ईजी फील करती थी और वो हमारे साथ इस तरह मिक्स हो जाते थे जैसे कि एक फैमिली होती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस ट्रिप की। इसके अलावा जो और टूरिस्ट थे उन्होंने हमारे नंबर्स लिए इन केस के अगर वो पहले जा रहे हैं आगे तो हमें रोड की कंडीशंस के बारे में बताते रहे। और उसके अलावा जितने भी जहाँ भी हम लोग रुकते थे थोड़ी थोड़ी देर के लिए कोई ना कोई हमें फूड्स दे जाते थे लोग, और इस तरह बस चलता रहा। एंड इसी तरह बहुत सारी जगहों पे हमसे पैसे तक नहीं लिए गए बिकॉज वी वर राइडर्स, वी वर ट्रैवलर्स। सो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा बहुत सारे टूरिस्ट थे जो कराची के, लाहौर के, वो बहुत नाइस थे, उनका इतना वेलकमिंग मूड था, इवन के वहाँ के लोगों का इतना वेलकमिंग मूड था। तो ये चीज़ें इस ट्रिप की मुझे सबसे अच्छी लगी हैं। इसी तरह अगर आप इस तरफ का प्लान कर रहे हैं तो आपने मिनिमल को देवसाई बिल्कुल स्किप नहीं करना अपने प्लान में से। नाउ कमिंग बैक टू द व्लॉग, हम लोग एक जगह रुके, देन वी हैड पकौड़ाज एंड टी इन बालाकोट, और उसके बाद भी हमने सफ़र कंटिन्यू किया। ये हम लोग इस टाइम बालाकोट में के फॉरेस्ट से गुजर रहे हैं रात के टाइम पे। तेरा से गुजर रहे हैं एंड ये देखें आप लोग, ऐसा लग रहा है कि आप दामने को से गुजर रहे हैं, मरगला हिल्स की ड्राइव ले रहे हैं। देन हमने टबाद में अपना फेवरेट ब्रांड देख लिया और अब हमें बर्गर्स की क्रेविंग हो रही है। खैर इधर तो बहुत रश था सो हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया, और फिर जैसे ही हम इस्लामाबाद एंटर हुए शदीद बारिश स्टार्ट हो गई। हम गए थे तब भी बारिश थी, वापस आए तब भी बारिश है। फिर हमने अपने इस पूरे ट्रिप का अहतमाम KFC के बर्गर्स पे किया। बाकी मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई सवाल पूछना हो रिलेटेड टू ट्रिप तो मेरा मेल मैंशनड है इन डिस्क्रिप्शन। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मैं फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए कोई अच्छा सा कॉन्टेंट ले आऊँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो। अल्लाह हाफिज़।